Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भाई दूज भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। यह पर्व को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को दिन मनाया जाता है। भाई दूज मनाने की वजह क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक यह पर्व दीपावली के दो दिन बाद मनाया जाता है। इसे यम द्वितीय भी कहते हैं। भाई दूज के पर्व पर यमदेव की भी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो यमदेव की उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। हिंदुओं के बाकी त्योहारों की तरह यह त्यौहार भी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। ऐसे हुई थी भाई दूज की शुरुआत। भाई दूज के विषय में एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इस दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। कथा के अनुसार यम देवता ने अपने बहन की इस दिन दर्शन किए थे। यम के बहन यमुना अपने भाई से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। अपने भाई के दर्शन कर यमुना बेहद प्रसन्न हुई। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई की भी आओ भगत की। यम ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि इस दिन अगर भाई बहन दोनों एक साथ यमुना नदी में स्नान करेंगे तो उन्हें मुक्ति प्राप्ति होगी। इसी कारण से इस दिन यमुना नदी में भाई बहन आस्था की डुबकी लेते हैं। इसके अलावा यम ने यमुना में अपने भाई से वचन लिया कि आज के दिन हर भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए। तभी से भाई दूज मनाने की प्रथा चली आ रही है। इन चीज़ों के बिना अधूरी भाई दूज की थाली। भाई के हाथों में सिंदूर और चावल का लेप लगाने के बाद उस पर पान के 5 पत्ते, सुपारी और चांदी का सिक्का रखा जाता है। उस पर जल उड़ेलते हुए भाई की दीर्घायु के लिए मंत्र बोला जाता है। भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। भाई की आरती उतारते वक्त बहन की थाली में सिंदूर, फूल, चावल के दाने, पान, सुपारी, नारियल, फूलमाला और मिठाई होना जरूरी है। बदले में भाई बहन अपनी की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई का अपनी बहन के घर भोजन करना विशेष रूप से शोभा होता है। मिथिला नगरी में इस पर्व को आज भी यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन चावलों को पीसकर एक लेप भाइयों के दोनों हाथों में लगाया जाता है। साथ ही कुछ स्थानों पर भाई के हाथों में सिंदूर लगाने की भी परंपरा देखी जाती है। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.